गुड मॉर्निंग क्लास 10th. सो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर इन इकोनॉमिक्स एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. द फर्स्ट कंपोनेंट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज expectancy of a newborn baby, that how much he or she can live. Okay? With expected to. Not from age one. एक साल के बाद नहीं. जन्म से एक शिशु कितने साल तक जीवित रहने की उसकी संभावना है, उसी संभावना को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं. अब बात करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट. एजुकेशनल अटेनमेंट को भी नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है. एजुकेशनल अटेनमेंट ये सेकंड इंडिकेटर. एजुकेशनल अटेनमेंट इट इज मेजर्ड बाय कंबाइनिंग एडल्ट लिटरेसी रेट एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है. एडल्ट का लिटरेसी रेट और मीन ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग कितने साल हुई, नाउ मैनी नाउ मीन ऑफ ईयर्स स्कूलिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो. इसको अब पहले मीन ऑफ स्कूलिंग कहा जाता था, अब इसको कहा जाने लगा है कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो. कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, ठीक. क्या होता है फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला होता है एजुकेशन इंजीनियरिंग डिग्रीज का, तो हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकाला जाता है. PAR यानी एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ALR. क्या है ALR? एडल्ट लिटरेसी रेट, और 1/3 ऑफ CER कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो. तो अगर एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स हमें पता करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. सपोज मान लीजिए हमने एडल्ट लिटरेसी रेट दिया हुआ है 6, ठीक, और 0.18, ठीक, और सी आर दिया हुआ हमें 0.2, ठीक. तो हम इस पर फॉर्मूले में अगर रखें प्लस 1/2 तो क्या आ जाएगा, PAR क्या एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स क्या आ जाएगा 2.6 ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया. कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि मेल्स और फीमेल्स का एनरोलमेंट स्कूलिंग कितने साल की है, मेल्स और फीमेल्स कंबाइंड उसका एक रेशियो निकाल लिया जाए, उसको एडल्ट लिटरेसी रेट में ऐड कर दिया जाए. 2/3 ऑफ एडल्ट लिटरेसी रेट प्लस 1/3 ऑफ कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो इज इक्वल टू एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स. अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक. द
The standard of living is being calculated by the long transform of per capita income PCI in purchasing power parity dollars. ठीक है, लॉन्ग ट्रांसफॉर्म ऑफ पर कैपिटा इन परचेसिंग, इन परचेसिंग पावर पैरिटी डॉलर्स बोलते पी 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 पीसीआई पी 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 डॉलर्स, ये होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। परचेजिंग पावर कितनी है, परचेजिंग पावर ठीक है डॉलर्स में कितनी है इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर ठीक है, पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर कोई कंट्री के पास बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यानी उसके पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, मीन्स उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर में बहुत ज़्यादा हो, अगर पी सी आई अगर किसी परचेसिंग पावर पैरिटी डॉलर में ज़्यादा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ठीक है, कंट्रीज हैविंग एस डी आई वैल्यू बिटवीन 0.507 और कंट्रीज विद मीडियम देखिए इंडेक्स के हिसाब से हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, लो ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे क्लासीफाई किया गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एस डी आई 188 ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाई, 188 कंट्रीज को ही क्लासिफाई किया जाता है, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये यूनाइटेड नेशंस ही जो ये सब करता है तो उसमें क्लासिफाई किया है वो सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स को किया, उसके अलावा जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इस क्लासिफिकेशन में रखा ही नहीं। ठीक है, रेंज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप इज 69.4 ईयर्स टू 81.7 ईयर्स, देयर आर 105 कंट्रीज इन दिस ग्रुप। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से देखा जाए तो जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 69.4 टू 81.7, यानी वहाँ पर एवरेज एक शिशु की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कितने साल तक जीवित रह सकता है, वो है 70 से 82 साल का, मतलब तो कोई भी व्यक्ति 105 रेशिस में आते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके हिसाब से 105 देश हैं और 105 देश का मतलब 105 देश में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, जो भी शिशु जन्म लेता है उसका औसतन 70 से 82 साल तक तो जीता ही है। ठीक है, 70 से 82 साल तक वो एक्सपेक्ट करता है कि वो जिए। रेंज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीडियम, तो मीडियम वाले में कितनी होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीडियम वाले में 66.4 to 71.7। अच्छा, जब हम लोग ये निकाल रहे इंडिविजुअल इंडेक्स निकाल रहे थे तो एट दैट टाइम वी हैड नोन दैट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 70 इयर्स, सो फ्रॉम दिस वैल्यू वी कैन सजेस्ट दैट इंडिया लाइज इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट मीडियम रेंज में आती है वो इंडिया उसमें लग जाती है। ठीक है, 41 कंट्रीज इसमें लग जाती है, 41। रेंज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन लो ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप इज 51.5 ईयर्स टू 48.9 ईयर्स। देखिए क्या केस हो सकता है इन कंट्रीज का, ये क्लासिफिकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन कंट्रीज में ज्यादा क्यों है, 105 कंट्रीज में जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, व्हाई इज सो, बिकॉज इन दोज कंट्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी गुड, दैट कंट्रीज हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इन विच all the medical facilities are available, that is why in those countries 105 countries there are the life expectancy is between 79 to 81 years. Now in medium countries the medical facilities are not in large amount as compared to the high human development countries
दैट इज व्हाई यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है लो। और जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज है उनके यहाँ बहुत ही मेडिकल फैसिलिटीज की कंडीशन बहुत खराब है, इस वजह से वो रैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इज अबव इंडिया एंड रैंक ऑफ बांग्लादेश इज लोअर देन इंडिया। यानी बांग्लादेश जो है वो लो वाले में आता होगा और यूएसए जो है हाई वाले में आता है, इंडिया जो है मिडिल वाले, ठीक है। मैंने अभी बताया इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज में आता है, बांग्लादेश लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज में आता है, यूएसए एंड चाइना हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज में आता है। चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन कोई भी कार्य अगर कोई भी किसी भी बड़े टास्क को अगर हम लेके चलते हैं तो जाहिर सी बात है चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं। देयर आर सम चैलेंजेस वी हैव टू फेस इन अचीविंग दोज गोल्स। सो व्हाट आर दोज चैलेंजेस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंजेस मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल और हेल्थ के एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हेल्थ एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू वाइडली यूज अलोंग विद द इनकम। देखिए हेल्थ और एजुकेशन भी जब आपने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपने जब रिपोर्ट देखी थी तो उसमें आपने देखा था कि उसने इनकम के अलावा हेल्थ और एजुकेशन को भी क्राइटेरिया इंक्लूड किया था अपने पूरी डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो इसका मतलब यह है कि इनकम ही नहीं हेल्थ और एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। तो हेल्थ, एक देश की हेल्थ तभी अच्छी रह सकती है जब उस देश की मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं। अगर हमारे देश में छोटी छोटी बीमारियों की फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है छोटी छोटी बीमारियों को हम सही नहीं कर पाते, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है वेंटिलेटर्स नहीं है, छोटे छोटे जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर हमारे देश में अवेलेबल नहीं है तो हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटीज़ की हालत खस्ता हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे देश में आराम से लोग छोटी छोटी बीमारियों का शिकार होकर मरते जाएंगे, ठीक है। The healthcare system needs to be enriched by using simple, inexpensive methods and remedies derived from the healthcare system. ठीक है, तो हम लोग को ट्रेडिशनल कुछ सिस्टम बना सकते हैं और हम लोग अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। हमें कुछ प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि वो हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए एसेंशियली एसेंशियल इक्विपमेंट से वो प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। प्राइवेट कंपनीज का मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहती है और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है गवर्नमेंट सर्विसेज में हम भरोसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनको तो पैसा मिल ही जाता है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज का पूरा पूरा जो बेनिफिट वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट वो बनाते हैं। इसलिए प्राइवेट कंपनीज को अगर हम अच्छी प्राइवेट एजेंसीज को अगर हम ये काम दे दें तो अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स बनाकर हमें दे सकती है जिससे हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और पुअर तक पहुंचा सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसमें कम होती है? मेनली पुअर्स में कम होती है क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं होती कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड कर। तो हमको ज़रूरी है कि हम इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाएं जिससे पुअर से पुअर व्यक्ति उन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पाए, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर चार्जेस भी आजकल ज़्यादा लिए जाते हैं। यूजर चार्जेस कैन टू बी लिमिटेड फ्रॉम पेशेंट बिलोंगिंग टू फैमिलीज अबव पॉवर्टी लाइन फॉर डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड यूजर चार्जेस फॉर सर्विसेज इन पब्लिक हेल्थ। तो अब बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा दिया जाने लगा है कुछ कुछ बीमारियों को इलाज के लिए जो नहीं दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विसेज यूजली बहुत लो प्राइस पर होनी चाहिए या बिल्कुल फ्री होनी चाहिए ताकि वो पुअर से पुअर व्यक्ति से अफोर्ड कर सके, लेकिन अब गवर्नमेंट सर्विसेज में भी बहुत सारे स्टेट्स कुछ ना कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। अब लोगों से एक रुपये दो रुपये चार रुपये का पर्चा ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये सारी चीज़ें अब कुछ बीमारियों के लिए वो अच्छा खासा चार्ज भी करने लग गए हैं तो ये चीज़ सही नहीं। एक गरीब व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह सोच के जाता है कि उसका वहाँ पर उतना पैसा नहीं मिल जाएगा,
और अगर गवर्नमेंट सर्विसेज भी पैसा लेने लगेंगे तो पुअर के पास क्या ऑप्शन है? प्राइवेट तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो गवर्नमेंट सर्विसेज ही तो उसके लिए मात्र एक ऑप्शन है। और गवर्नमेंट सर्विसेज भी यदि पैसा लेने लगेंगे तो फिर वो कहाँ हेल्थ केयर लेंगे? ठीक है, यूजर्स चार्जेस एज एन ऑप्शन ऑफ फाइनेंसिंग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कलेक्शन यूटिलाइटी यूजर चार्जेस कंबाइंड विद इंप्रूवमेंट। तो अगर यूजर चार्जेस लिए भी जा रहे हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा लिया भी जा रहा है, तो उसके अनुसार हेल्थ केयर सिस्टम भी तो इम्प्रूव किया जाए। गवर्नमेंट सर्विसेज भी अगर पैसा ले रही है तो हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव नहीं कर रही। जितना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखेंगे उतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे इक्विपमेंट्स की भी कमी होगी, वहाँ पे साफ सफाई की भी कमी रहती है, एक ही जगह पे बहुत सारे बेड्स होते हैं, ठीक, एक ही बड़े बड़े वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स को रख लिया जाता है, तो वहाँ पे देखा जाए तो वो सिस्टम सही नहीं। तो ये सारे सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो और सबसे जरूरी भी मैंने बताया कि पुअर और नीडी पेशेंट्स को सफर नहीं करना, उनको सफर अगर वो सफर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल फैसिलिटीज का एक फेलियर, ठीक, जरूरी है कि वो ना सफर करें। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, डेटा आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी बुक से। अब देखिए हमारे यहाँ एक मिशन चलाया गया था इसी हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, उसका नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, खासकर गांवों में, क्योंकि ज्यादातर जो पुअर रहते हैं वो गांव में ही रहते हैं और ज्यादातर उन्हीं के पास मेडिकल फैसिलिटीज भी कम होती है। इसलिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, टू प्रोवाइड एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड अकाउंटेबल क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू द पूरेस्ट हाउसहोल्ड इन द रिमोटेस्ट रूरल एरियाज। तो इसका क्या मोटिव था कि गांव में जहां पर एक मतलब कह सकते हैं कि दूर दूर के गांव में जहां पर हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंच पाती हैं, उन जगहों पर केंद्र खोलकर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज वहाँ गाँव के लोगों को सस्ते से सस्ते दामों पर प्रोवाइड की जा सके, ये मिशन था इसका प्राथमिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, ठीक है। द थ्रस्ट ऑफ द मिशन वॉज एन एस्टैब्लिशिंग अ फुल्ली फंक्शनल कम्युनिटी ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड मतलब पूरी तरीके से संप्रदाय को समर्पित, पूरी तरह संप्रदाय के लिए, जो भी वहाँ पे जिस भी गांव में हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएंगे उस पूरे संप्रदाय के लिए समर्पित होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम विद इंटर सेंट्रल, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब किसी भी तरीके से, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब किसी भी तरीके से उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर, मतलब स्वतंत्र रूप से वो कार्य करें, किसी भी तरीके का बाहरी दबाव ना हो, ठीक, और सब पूरी तरीके से हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प भी प्रोवाइड की जाए। और इसके साथ साथ हेल्थ के लिए क्या जरूरी, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी हेल्थ का इंडिकेटर ही है। अगर जेंडर इक्वालिटी होती है, ठीक, और समाज में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है गर्ल्स बॉयज को, बढ़िया पुअर से पुअर व्यक्ति को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो उसकी हेल्थ सही रहती है, ठीक। एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन अच्छी होगी तो वो अच्छा इनकम जनरेट कर पाएगा, तो वो हेल्थ फैसिलिटीज अफोर्ड कर पाएगा। वाटर उसे मिलना चाहिए, कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से भी सारे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्योर वाटर उसे मिले, प्योर सैनिटेशन, गंदगी ना हो उसके गाँव में साफ सफाई रहे, तो ये सारी चीज़ें भी पूरा स्वास्थ्य से रिलेटेड ही तो है। स्वास्थ्य मिशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी, बीमारियां ना होने देना भी इसका मिशन, बीमारी की रोकथाम इसका मिशन नहीं है, बीमारियों को प्रिवेंट करना भी मिशन। बीमारियों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, साफ सफाई रख के, स्वच्छ पानी लेकर, शिक्षा देकर, ठीक, और समाज में भेदभाव मिटाकर, ये सब चीज़ें भी स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी NHRHM का मिशन था, ठीक।
हालांकि मेन तो उनका मिशन जो हेल्थ केयर सिस्टम था और खासकर ये भयंकर बीमारियों के खिलाफ गांव के लोगों को बचाना चाहता था। तो गांव में कुछ भयंकर बीमारियां फैली जाती है, मलेरिया टीबी लेप्रोसी क्या होती है, कुष्ठ, लेप्रोसी कुष्ठ होती है, ब्लाइंडनेस अंधापन, और खासकर सबसे ज्यादा जो आजकल देखने को गांव में मिल रहा है वो है बीमारी रेबीज, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, इस वजह से ये बीमारी बहुत ज्यादा गांव में फैल रही है। तो जरूरी NRHM का मिशन ये है कि कम से कम एक जागरूकता भी फैलाए लोगों के, प्रॉपर एजुकेशन भी देना कि विभिन्न बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है, बीमारी ना होने देना, ये सबसे बड़ा मिशन NRHM का, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।